मेरा नाम है सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं टेकी बाइट्स यूट्यूब चैनल। और गाइस आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस इस वीडियो में जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस ये मैं आज सभी को चार ऐसे मतलब पॉइंट्स बताऊंगा जिससे जो आप सब जान जाएंगे, जिससे कि आपकी वीडियो क्यों नहीं सक्सेसफुल होती है अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं और आप अगर पहली वीडियो डाल रहे हैं। तो पहली वीडियो में आप कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आपका मतलब चैनल स्टार्टिंग में ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ये गलतियां कुछ मैंने भी शुरुआत की वीडियोज में करी थी, तो आपको इसको जो है मतलब अब ध्यान में रखना है। अगर आप एक न्यू यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं या आपके पहचान में कोई भी खोल रहा है, तो आप उसको मतलब ये ट्रिक्स या टिप्स बता सके, तो आपको करना क्या है। तो गाइस इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नया तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, घंटी वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस टिप जो टिप नंबर 1 है, आप उससे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये नीचे से शुरू करते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन सॉरी वीडियो के टैग से। तो गाइस पहली वीडियो होती है हमारी, तो मतलब ज्यादातर लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होता है कि टैग्स वगैरह क्या होते हैं। तो पहली वीडियो में बहुत से लोगों को ये सब नहीं पता होता है। तो गाइस टैग्स का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप जो भी मतलब जिस वीडियो को लोग सर्च करते हैं, तो जो वो सर्च बॉक्स में जो भी लिखते हैं वही मतलब वो टैग्स होते हैं। मतलब अगर आपने वो चीजें अपने अगर टैग्स में लिखी हैं, तो आपकी वीडियो रैंक करने की चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं। मतलब आप जितने डिफरेंट टाइप्स के मतलब कीवर्ड्स डालेंगे, मतलब टॉपिक से ही रिलेटेड कीवर्ड्स डालेंगे, उतनी आपकी वीडियो ग्रोथ करने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो आप जो है अगर वीडियो पहली वीडियो बना रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें अच्छे से टैग्स डालिए, जितना हो सके उतने डालिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ अगर 500 कैरेक्टर के वहां टैग्स डाल सकते हैं तो 500 के ही डालिए, 500 के मतलब पूरे के पूरे टैग्स आप कभी मत डालिए। हाँ हो सकता है थोड़े नीचे मतलब डालिए, मतलब 500 है तो 450 या 400 तक टैग डालिए, जिससे मतलब ज्यादा वहां पे ट्रैफिक भी ना हो टैग्स में। तो इस वजह से आपकी वीडियो जो है बढ़िया से रैंक कर जाएगी। और काफी लोग ये करते हैं कि जो टैग्स को इग्नोर कर देते हैं, या तो उनको पता ही नहीं होता, या वो सोचते हैं कि यार पहली वीडियो टैग्स का इसमें क्या यूज, इतनी जल्दी हमारी वीडियो नहीं वायरल होगी, तो टैग्स को इग्नोर कर देते हैं और टैग्स को डालते ही नहीं है। तो गाइस ये है पहली गलती, तो आप टैग्स बढ़िया से डाल दीजिए। तो गाइस अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। तो गाइस टिप नंबर 2 अब टैग्स के ऊपर आते हैं, तो आप सभी को मिल जाता है डिस्क्रिप्शन। तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी एक बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट फीचर है। अगर आपका एक न्यू यूट्यूब चैनल या न्यू यूट्यूब वीडियो है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या गलती करते हैं। तो गाइस बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पहले तो लिखते ही नहीं है, या वहां पे जो है बस एक या दो लाइन तीन लाइन ऐसे लिख देते हैं। तो गाइस ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि गाइस आप सभी को अगर नहीं मालूम तो मैं सभी को बता दूं कि जैसे आप टैग्स लिखते हैं या टाइटल लिखते हैं, वैसे ही आप सभी को डिस्क्रिप्शन लिखना ही उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मानो या ना मानो, लेकिन अगर आप देख पाते हो कि कई वीडियो जिनमें जो है नीचे की साइड टैग्स आप देखते हो लिखे होते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स नीचे की साइड लिखे होते हैं, तो उनका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि गाइस वो भी टैग्स में ही गिने जाते हैं और उनसे भी आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी सर्च लिस्ट में आती है। और आप अगर आप जो है डिस्क्रिप्शन लंबा नहीं लिखेंगे, और मतलब आप छोटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस बिल्कुल जीरो है, क्योंकि आपने वहां पे ना तो वीडियो के बारे में कुछ लिखा है, ना ही अपने चैनल के बारे में लिखा है, और ना ही आप अपने जो है सोशल मीडिया या जो है दूसरी जो भी जानकारी है वो वहां पे लिखते ही नहीं है, जिससे मतलब लोगों को समझ में नहीं आता है किस बारे में वीडियो बना रहा है, क्या इसके चैनल का मोटिव है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए। डिस्क्रिप्शन में मतलब कोई भी वो नहीं है कि आप कम लिखिए, आप जितना हो सके उतना लिखिए, क्योंकि वहां पे 5000 कैरेक्टर वहां पे आपको लिखने को मिलते हैं। तो 5000 कैरेक्टर में आप जितना हो सके भर भर के लिखिए, आप अपने इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जितनी भी लिंक्स दे सकते हैं वहां पे दीजिए, आपके जो भी मतलब गियर्स हैं, मतलब मोबाइल फोन माइक या जो भी आपका है, वो आप सब वहां पे लिखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सभी वहां पे मतलब नीचे की साइड टैग्स जरूर लिखिए, रिलेटेड टैग्स लिख के आप नीचे वहां पे जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं वो वहां पे आप लिख
दीजिए और वीडियो और डिस्क्रिप्शन स्टार्ट पे अपना मतलब बताइए कि ये वीडियो किस बारे में है, तो इससे आप सभी का वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल होने की उसके चांसेस रहते हैं। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में बस इतना ही। अब बात करते हैं गाइस ट्रिप नंबर 3 के बारे में, तो वो है टाइटल। तो गाइस टाइटल जो है यहाँ पे सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है आपके वीडियो का, क्योंकि गाइस जो टाइटल होता है ज्यादातर मतलब टैग्स, जो टैग्स आप डालते हैं वो मतलब आपके टाइटल को ही सूट करके लिखे जाते हैं। मतलब अगर आप जो है टाइटल सही नहीं लिखेंगे तो आप चाहे टैग्स जितने भी सही डाल दीजिए वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो आप सभी को मतलब टाइटल और टैग्स ये दोनों आपको इंटरमिक्स्ड लिखने हैं। मतलब जो है जो टाइटल में आपका जो है होना चाहिए वही आपका जो है टैग्स में भी होना चाहिए। तो टाइटल में आप क्या करिए, अब बहुत से लोग होते हैं कि जो है पहली वीडियो होती है कुछ मालूम नहीं होता है, तो आप सिंपली जो है लंबे से लंबा जो है टाइटल लिख देते हैं, मतलब जो भी उसमें कुछ बताने वाला भी नहीं होता है वो भी वहाँ पे लिख देते हैं। तो आप सभी को करना क्या है यार, जो भी वीडियो उसी के बारे में देखो, और आप देख पाएंगे कि आजकल जो वीडियो होती हैं उनमें आप देख पाएंगे कि ऐसे एक लंबी लाइन खींची होती है, मतलब कुछ पार्ट्स में जो है टाइटल लिखा जाता है। तो गाइस वो होता है यूट्यूब का एल्गोरिदम। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम के हिसाब से आप सभी को टाइटल लिखना है, मतलब कुछ पार्ट्स में लिखिए, पहले में मतलब शॉर्ट कीवर्ड्स का यूज करिए और उनको पार्ट्स में मतलब डिवाइड करके जो है अपना टाइटल लिखिए। इससे होगा कि आप सभी का जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा सर्च लिस्ट में आएगा और आप सभी का वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल होने की कोशिश होगी, क्योंकि आप सभी मतलब डिफरेंट आपका सॉरी गाइस मतलब डिफरेंट आप सभी का ये वायरल होने की चांसेस बढ़ेंगी, क्योंकि वो आपने जो कीवर्ड्स डाले हैं उनका इम्पैक्ट ही ऐसा होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम ही ऐसा है। क्योंकि आपने जो टाइटल भी मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब लिखा है, मतलब डिवाइड करके लिखा है, और आपने डिस्क्रिप्शन भी लिखा है, टैग्स भी लिखे हैं, तो जो है ये सब जो है इकट्ठा हो गए, मतलब जो है YouTube की सर्च लिस्ट में आपका वीडियो आने में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, और लोगों का भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि ये मतलब हाँ बिल्कुल एक प्रो यूट्यूबर है, इसकी वीडियो हमें जरूर से जरूर देखनी चाहिए। तो गाइस टाइटल के लिए बस इतना ही। अब बात आती है गाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो होती है हमारा थंबनेल। तो गाइस थंबनेल तो क्या कहें, पहले जो न्यू यूट्यूबर होते हैं वो ये सोचते हैं थंबनेल में क्या जरूरी है। तो थंबनेल में वो लोग करते क्या है, जो वीडियो होती है उसी का फोटो मतलब लगा देते हैं। तो वो लोग सोचते हैं पहला वीडियो है ज्यादा कोई देखेगा नहीं, या ज्यादा अभी कोई मतलब ये वायरल नहीं होगा, तो थंबनेल वगैरह इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, अगली वीडियो से इसमें थंबनेल वगैरह लगाया जाएगा। या आप वो सोचते हैं कि इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसमें मतलब क्या करें। तो आप सभी को चाहे इंट्रोडक्शन वीडियो या कुछ भी हो, आप सभी को थंबनेल लगाना मस्ट है। अब जैसे जानते होंगे यूट्यूब की एक नई अपडेट आई है जिसमें कमेंट नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, और उनमें जो वीडियो सजेस्टेड वीडियोस आते थे उनके थंबनेल अब बड़े हो गए। तो उसका मतलब कारण यही है कि अगर आप थंबनेल अच्छा बनाएंगे तो आप सभी का सजेस्टेड वीडियोस में अगर थंबनेल आता है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल होगी। अब आपको यहाँ पे थंबनेल बहुत अच्छा बनाना है। अब एक और न्यू अपडेट अगर YouTube की बता दूं, तो अगर आप सर्च फीचर में जाएंगे तो सर्च फीचर में भी अब जो वीडियोस आएंगे बन के, अगर कोई चीज आप सर्च करते हैं तो जो सर्च फीचर में वीडियोस आते हैं वो भी आप सभी को मतलब उनका भी थंबनेल बड़ा दिख के आएगा। कुछ लोगों को ये अपडेट मिल गया है, कुछ लोगों को जल्दी मिल जाएगा, जैसे कि कमेंट वाले में हुआ था कि कुछ लोगों को ये अपडेट जल्दी मिल गया था, कुछ लोगों को बाद में मिल गया था। तो ऐसे ही आप सभी को ये सर्च फीचर वाला जो है अपडेट आप सभी को जल्दी मिल जाएगा। बाकी आप सभी को थंबनेल पे ये ध्यान रखना है कि आप लोग वही लिखें जो आपसे वीडियो के रिलेटेड हो, और मतलब कुछ ऐसा लिखिए जिससे जो है लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हों आपकी वीडियो की तरफ। मतलब ये ना लिखिए कोई भी फेक चीज जो आपके वीडियो में ना हो वो आप लिख दें, मतलब कुछ ऐसी चीज इस वे में लिखिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हों। तो गाइस ऐसे ही आप सभी अगर इन तरीकों को यूज करेंगे तो आपकी वीडियो 100% वायरल होगी। तो
तो इन्हीं कुछ तरीकों को यूज करिए और आप अपनी वीडियो को अच्छी बनाइए। और एक चीज और, अगर आप नया चैनल बना रहे हैं तो चैनल का लोगो जरूर बनाइए, मतलब चैनल का लोगो जरूर बनाइए, अबाउट सेक्शन उसमें भी जरूर लिखिए, तभी आपके वीडियो और चैनल मतलब एवरेज आप सभी का जो है वायरल होने की कोशिश करेगा। क्योंकि यूट्यूब का कुछ एल्गोरिथम ही ऐसा है कि अगर आपका ये सब मतलब अच्छा होगा, थंबनेल अच्छा होगा, टाइटल अच्छा होगा, तो यूट्यूब क्या करता है, पहले कुछ लोगों को आप सभी का वीडियो दिखाता है। अब अगर आपका थंबनेल अच्छा है, टाइटल अच्छा है, तो लोग उस पर क्लिक करेंगे। और जैसा कि आपका मतलब वीडियो का कंटेंट तो अच्छा ही होना चाहिए, बाकी ये सब भी अच्छा होगा, तो अगर जैसा उस पर वॉच टाइम आएगा तो यूट्यूब उसका एनालिसिस करता है कि कैसा इसका मतलब जो वीडियो का डेटा है, मतलब क्या कितने लोगों का इस पर रिटेंशन है और वीडियो रिटेंशन कितना है, और यहाँ पे इसका मतलब कितना इस पर मतलब वॉच टाइम आ रहा है, कितने व्यूज आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आपका मतलब अच्छा बैठता है तो यूट्यूब और लोगों को दिखाता है, तो अगर और लोग पसंद करते हैं तो इसी तरीके से आप सभी का वायरल हो जाता है वीडियो। तो कुछ इन तरीकों से आप इस अपने न्यू यूट्यूब वीडियो को या न्यू यूट्यूब चैनल को वायरल कराने की कोशिश कर सकते हैं। तो गाइस ऐसे ही आप इन तरीकों को यूज कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आप सभी को ये तरीके मतलब जो मैंने टिप्स बताई हैं वो आप सभी को मतलब पसंद आई होगी, और पसंद आए तो गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।